दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना की सामर्थ के बारे में सीख रहे हैं और आज 23 जनवरी को भी हम प्रार्थना की एक और विशेषता के बारे में सीख रहे हैं कि यदि हम प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं तो हमें लगातार प्रार्थना करनी है, दीन होकर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की निकटता में आना है, विश्वास से मांगना है। इन बातों को हमने देखा और इन बातों के साथ साथ जो बातें हम विश्वास से परमेश्वर से मांग रहे हैं उन बातों का हमें प्रार्थना में अंगीकार करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपसे मांगे क्योंकि आप हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपसे इन चीज़ों को मांगते हैं और धन्यवाद दें, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का अंगीकार करना है, जिस प्रकार रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 9 पद के अंदर यह बात लिखी है कि हम लोग जो है हृदय से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। हालेलुया। अंगीकार में शक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कन्फेशन हैज पावर। परमेश्वर ने कहा और हो गया। हालेलुया। इसी प्रकार प्रार्थना में जो हम मांगते हैं, हम कहें और वो हो जाएगा। लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। प्रार्थना में हम जो कुछ मांगे विश्वास से अंगीकार करें कि परमेश्वर हमें दे चुका है और वो हमें मिल जाएगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो ज़रूर कमेंट कर आप लोग बताएं जो बात आज हमने सीखी है कि हमारी प्रार्थना में विश्वास का अंगीकार भी हमको करना है। ज़रूर कमेंट कर बताएं कि आज हमने क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा है। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीष दें।